नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। हेलो करो, अभी वो बिजी हो रहा खाने में। तो जी, सुबह के बजने वाले हैं 10, 5 मिनट रहेगी और मेरा अभी तक काम सारा ऐसा ही फैला पड़ा, बस नाश्ते का ही हुआ है। अभी तक नाश्ता नाश्ता किया है, बाकी सारा काम ऐसे ही पड़ा है। देखे कपड़े वगैरह सब कुछ ऐसे ही फैला पड़ा, रसोई भी। बस अब लगूंगी मैं फटाफट। पहले मैं नाश्ता बनाने के बाद वीडियो में लग गई थी, क्योंकि वीडियो कल शाम भी नहीं डली थी मेरे से। कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ज़्यादा, परसों तो खैर मैं पड़ी थी, कल भी ज़्यादा मतलब काम नहीं हुआ मेरे से, और सारा काम इसीलिए ज़्यादा फैल रहा आज, क्योंकि कल तबीयत ठीक नहीं थी। आज थोड़ा आराम है तो आज मैं लग गई अपनी ड्यूटी पर फिर से। और एक दिन पड़ जाओ ना तो अगले दिन डबल काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा फैल जाता है उसे करना। अभी वो सोच रही कहाँ से शुरू करूँ, सारा फैला पड़ा इधर उधर काम सारा का सारा। और ये दिखा देती हूँ आपको, मैडम जी बैठी है उदास। उदासी का कारण क्या है तेरी बता। आज मेरी बस छूट गई। आज इसकी ना बस छूट गई है, 9 बजे आती, 9:10 पर आती है ना डेली बस। वो जो बस है वो आ गई होगी 9 बजे, 9 से भी शायद पहले ही आ गई होगी, क्योंकि 9 बजे तो ये पहुंच गई थी वहां पे, और जब तक गाड़ी निकल चुकी थी। और सारे बच्चों की छूट गई जो बस है स्कूल बस, क्योंकि आज जो गाड़ी वाले भैया वो जल्दी आ गए होंगे, और उन्होंने बताया नहीं कि जल्दी आना है, बच्चों को किसी को भी नहीं बताया, और बहुत सारे बच्चों की छूट गई बस। एक आध बच्चा जो पहले आया होगा वो चला गया, बाकी सबकी छूट गई। और अभी अभी आई है, 1 घंटा वेट करके आ गई वहाँ से, जब से वही खड़ी। जब तुम्हें पता लग गया था फिर क्यों खड़े थे वहाँ से? खड़े थे, एक दो और ऑप्शन मिल जाए तो सारे करके चले जाते ऑटो वगैरह, कुछ कर लेते वहाँ पे, ऑटो कर लेते वहाँ पे, रौनक पे जाके वहाँ से चले जाते, या रौनक पे भी चले जाते, वहाँ तो कोई दूसरी बस मिल जाती। हमारी बस के बाद नहीं आती ना कोई भी बस। अच्छा, कल का वगैरह की कोई नहीं आती, तो ऑटो करके चले जाते फिर तो। जी खैर, चलो कोई बात नहीं, अब कुछ नहीं फायदा है, अब तो बस कपड़े चेंज कर पढ़ाई कर अपनी घर पे ही। और गुड्डू का ज्यादा दुख पता क्यों होता है? गुड्डू ना स्कूल बिल्कुल भी मिस नहीं करती अपना, और ये वैसे भी कभी भी बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो जब जाकर करती है, वरना ये करती नहीं। और मुझे भी अच्छा नहीं लगता, मैं भी नहीं करने देती, और ये भी करती नहीं है तो बिल्कुल भी। अगर कभी कह दूँ ना बैठे रहने दे तो ना करती है, नहीं मम्मा जाना स्कूल, तो इसलिए ज़्यादा परेशान है। वरना तो बच्चे क्या करें, जिस दिन छुट्टी हो ना कूदते फिरे, अकाल तो छुट्टी होगी हमारी। अरे इसका जिस दिन छुट्टी भी होती है संडे को भी नो कहेगी आज तो बोर हो जाऊंगी, बिल्कुल स्कूल में नहीं गए, स्कूल में जाकर टाइम पास हो जा। और कान्हा जी सुबह ही आ गए थे, है ना? आ गए थे ना? दीदी को छोड़ के आए आप? दीदी को छोड़ने भी गया था, और ये भी आ गया अपनी चिज्जी चाजी लेकर। मुंह पूरा जल रहा, जुखाम पूरा हो रहा, और खाने में मंडरा पूरा। क्या मिर्ची लग रही? क्या खा रहे हैं आप? हैं? क्या है ये बाबू, क्या खा रहे हैं? जुखाम पूरा हो रहा है, दवाई ली थी? अभी इसके पास टाइम नहीं है बोलने का बिल्कुल भी, क्योंकि खाने में बिजी, कभी कोई और खा ले तो ये लग गया। और जी देखे काम मेरा सारा पड़ा है, और मैंने लगा दी है मशीन। मशीन देखे 2-3 दिन के कपड़े हो रहे ढेर लग गया पड़ा, कुछ धुल गए और कुछ धुलने लग रहे। तो बस अब मैं लग जाती हूँ फटाफट से काम पे, सबसे पहले किचन का करूँगी, फिर जो कमरों का वो सारा कर लूँगी। और मैं आपको दिखा देती हूँ, कान्हा जी भी आ गए हैं, हैं हमारे कान्हा जी, और ये कल ही आए हैं। कल इंदु लेकर आई थी इनको, और जब से हम आए थे मैंने कई बार बोल दिया था इंदु को कि ले आना कान्हा जी को, क्योंकि मैं तो गई नहीं उधर, मैं ले आती, हम कोई नहीं गए ना, टाइम ही मिला। और मैंने उसको बोला था कई बार, फिर वो कल लेके आई है, और यहाँ नहा धोकर बैठ गए कान्हा जी भी। तो मैं आ गई हूँ सबसे पहले किचन में, और करूँगी किचन की क्लीनिंग। तो जब किचन की क्लीनिंग हो जाती है, जब भी और घर का पूरा रास्ता मिलता है, बाकी अगर और काम कर ले तो किचन ऐसे ही पड़ी, तो काम मेरा तो अच्छे से संगवाया नहीं जाता, मतलब यूँ लगता है कि सारा भी ऐसे ही फैला पड़ा है। और एक एक चीज़ को लेकर ही मैं चलती हूँ, पहले क्लीनिंग करती हूँ रसोई की, और जब रसोई हो जाती है तो यूँ लगता है कि आधा काम हो गया, क्योंकि रसोई में ही सबसे ज़्यादा फैला रहता है,
तो यहाँ मैंने सारा पहले जो सामान था वो मतलब जैसा बर्तन वगैरह पड़े थे वो सारे खाली करके रख दिए हैं सिंक में से, जो धोने के सिंक में रख दिए, और जो टोकरे में थे वो सारे लगा दिए हैं रैक में और स्लेप कर दिया खाली। तो किचन की फिर मैंने कर दी है पूरी अच्छे से क्लीनिंग, गैस स्लेप वगैरह सारे साफ कर दिए। तो किचन की क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ रूम में, और रूम में पहले मैंने एक रूम ही लिया है, दूसरे में मैं बाद में करूँगी। मैं ऐसे कभी नहीं करती कि अब इस वाले में कर रही है, अब इस वाले में, एक एक को लेके चलती हूँ तभी काम अच्छे से हो पाता है। मतलब लगता है कि ठीक हो रहा और दिखता भी है करा हुआ। अगर मैं एक कमरे में इसमें एक इसमें लग जाती हूँ तो फिर मेरा काम अच्छे से नहीं होता, मुझे लगता है कि सारा ऐसे ही पड़ा है। तो यहाँ सबसे पहले एक कमरा कर दिया, फिर दूसरा, और ये मैं चादर वगैरह तो झाड़ रही हूँ, इनमें इतना टाइम नहीं लगता। टाइम लगता है तो जो फैला हुआ सामान पड़ा रहता है वो, सुबह ही जब बच्चे स्कूल जाते हैं या फिर कुछ भी ना भी जाते हैं तो सुबह ही तो ऐसे ही जहाँ नहाए धोए तौलिए वगैरह कपड़े सामान सारा चप्पल जूते ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है उठाने में, ना कि चादर वगैरह झाड़ने में। तो वो तो बाद का काम हो जाता है, पहले जो छोटा छोटा सामान है वो सेट करना पड़ता है। और मैं तो यही मानती हूँ कि जैसे झाड़ू पोछे करने में इतना टाइम नहीं लगता जितना लगता है साफ सफाई करने में, मतलब कि सामान को सेट करने में। तो यहाँ बस मेरा जो सामान वगैरह या बेडशीट वगैरह क्लीनिंग का काम हो गया है कंप्लीट, और जब तक मैंने वो किया है तब तक मेरे कपड़े भी धुल गए थे, फिर मैंने निचोड़ लिया और अब मैं आ गई हूँ ऊपर छत पर फैलाने के लिए। कपड़े भी काफ़ी सारे हो रहे थे, 2-3 दिन के हो रहे थे, तो एक अब 4-5 मेंबर है, और सर्दियों में कपड़े भी ज़्यादा ही होते हैं, कहीं कहीं कपड़े पहनने जाते हैं, और बच्चों के भी कोई ड्रेस हो जाती है कोई घर के, तो 3-4 दिन के कपड़े हो रहे थे, और देखे काफ़ी सारे कपड़े थे। तो मैंने कपड़ों का काम भी कर लिया है और अब मैं आ गई हूँ नीचे। अब मुझे बनाना है खाना, और खाने में आज मैं बनाऊँगी भरवा बैंगन की सब्जी। तो यहाँ ये बैंगन रखे थे, और ये आए थे इनके दोस्त के यहाँ से, तो ये बिल्कुल फ्रेश बैंगन है, मतलब कि घर के ही हैं ऑर्गेनिक। और यहाँ मैंने सोचा चलो आज इन्हें भर के बना लेती हूँ, आलू डाल के तो हमेशा बनाती हूँ, तो ये मैंने 4-4 पीस करके इनके चीर लिए, बिल्कुल अलग नहीं करे, मतलब थोड़े से छोड़ दिए। इससे पीस करने से एक तो इनमें यह भी पता लग जाता है कि इनमें कुछ है तो नहीं, और दूसरा ये अच्छे से गल भी जाते हैं। तो पीस करने के बाद फिर मैंने रख लिया कढ़ाई, कढ़ाई में डाल लिया है थोड़ा सा ऑयल, और उसके बाद फिर मैंने इनको डाल दिए बैंगन को और रख दिए हैं ढककर। इनको मुझे 50% कुक करना है, और बीच में मैं इनको चलाती भी रहूँगी थोड़ा थोड़ा करके, मतलब बीच बीच में जैसे चला लूँगी, और जब तक ये 50% कुक ना हो जाए तब तक मैं इनको पका लूँगी। तो यहाँ हो गए हैं, और इनमें मुश्किल से 4 या 5 मिनट ही लगी है पकाने में, तो मैंने ये पका लिए, अच्छे से कुक हो गए हैं, और अब इनको निकाल लिए हैं प्लेट में, और सेम ही कढ़ाई में मैं अब लगाऊंगी तड़का। उसमें डाल लिया मैंने ऑयल जितना भी ज़रूरत है, फिर ऑयल में मैंने डाल लिए हैं खड़े मसाले, 2 तेज़पत्ता, इलायची, लौंग, काली मिर्च डाली, और डाल लिया है जीरा। अब इनको फ्राई कर लेंगे हम। फ्राई करने के बाद फिर मैंने इसमें डाल लिया है प्याज और लहसुन जो चॉप की थी बारीक बारीक, और इनको कलर चेंज होने तक हम भून लेंगे। तो यहाँ कलर चेंज हो चुका है, अब इसमें डालेंगे मसाले, हल्दी डाल लेंगे, मिर्च डाल लेंगे, और डाल लेंगे धनिया पाउडर, जो भी आपको और मसाले डालने हैं वो डाल सकते हैं, और इनको भून लेंगे मसालों को प्याज के अंदर ही। तो ये मसाला भून गया, मैंने इसमें थोड़ा सा डाल लिया है अमचूर पाउडर, इससे थोड़ा सा खट्टापन आएगा तो टेस्टी लगेगी सब्जी। तो अमचूर पाउडर डालने के बाद फिर मैंने इसमें टमाटर डाल लिया, और टमाटर को अच्छे से पका लेंगे हम। 2 टमाटर लिए थे मैंने मीडियम साइज़ के, और अच्छे से पका लेंगे जब तक तेल इनका रिलीज ना हो जाए साइड में, तो तब तक टमाटर हम पका लेंगे। तो टमाटर पक गए हैं, तो मैंने इसमें अब डाल लिया है नमक, और नमक डालने के बाद फिर मैंने डाल लिया है गरम मसाला। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली, उसके बाद मैंने डाल लिया है 1 गिलास के लगभग पानी, और फिर पानी जब पकना शुरू हो गया उसमें डाल दिए हैं बैंगन, और इनको रख दिया है ढककर लगभग 15 मिनट के लिए कम आँच करके। और सच में ही मानिए आप, इतनी अच्छी सब्जी बनी थी, बहुत ही अच्छी। तो देखिए आप, देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो टाइम हो गया है 1:30 बज गया, और अभी अभी ऑफिस से आया हूँ, मैडम लगी हुई है खाने में। देखिए क्या बना दिया तुमने आज? आज तो मैंने नई सब्जी बना दी। क्या बनाया? आज भरवा बैंगन की सब्जी। भरवा बैंगन? बैंगन तो छोटे छोटे ही तैर गए।
बस उन्हें ही बना दिया है, मैंने तो भरवाई है। मिर्च मसाला वैसा नहीं भरा, कढ़ाई में डाल दिया तो उन्होंने अंदर तक ही भर गया, और क्या था भर के। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कभी भर के जैसे वो मिर्च नहीं, चीर का तो बनाए वैसे, लेकिन मसाला कढ़ाई में ही दे दिया था, वैसा नहीं, वैसा कहाँ इतना स्पेस था जो उनमें भर के। बैंगन तो ऐसे ही बनाए, भरने की जगह तो उसमें कहीं भी नहीं होती, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, बन गई बस। और देखियो खाकर कैसी बनी, आज मैंने पहली बार बनाई ऐसी सब्जी। वैसा तो हम ज्यादातर आलू बैंगन की सब्जी जो सिंपल बनाते हैं वो ही बनाते हैं, लेकिन ये आज भरवा बैंगन की सब्जी मैंने पहली बार बनाई। और खाकर बताइयो कैसी लगी? बढ़िया ही लगा कि जब बना रखी मेहनत तो बनाई तो जी लगा कर, देखने में भी अच्छी लग रही। बस ये बनकर तैयार होगी, आटा बना बना दिया फटाफट से, मैं रोटी सेक दू गर्मा गर्म, तुम खा लो सारे और कुछ मंगाना क्या? लस्सी वगैरह दही रखी तो खा ली, आई मैं तो खाने की नहीं। इसकी लस्सी बना दो, लस्सी बना लो, नहीं दही ले लो मर्जी। चलो ठीक है, बैंगन की सब्जी मेरी बन के होगी तैयार, आ जाओ आप भी खा लो। मैं रोटी सेक रही फटाफट गरम गरम, देखते हैं आज पहला पहली ट्राई मारी, पहला परीक्षण करा इन पोखरण में पहला तो कल भी आई ना करवा था, दूसरा करा इसने तो तो देखते हैं कैसी बनी, खा के यही बतावांगे, क्योंकि महाराज जी जैसी चाय बना दो फिर इसमें भी 10 में काट देंगे, तेल ज्यादा के रखा, मसाले के रखे, और वो 10 बता देंगे फिर इसमें भी। देखो भाई मेरा तो सीधा सा फंडा है, जो कुछ भी बन गया वो बेस्ट है, चाहे उसमें नमक कम है ज्यादा है, आज तक बिल्कुल ठीक लगा मुझे, चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो नमक। अब नाम तो दर दो 10 बार आप। नहीं वो थोड़ा सा बता दू, थोड़ा सा नुकर लेती। तेल ज्यादा के रखा, मसाले ज्यादा के रखा। नहीं तो ना मुझे नमक ज्यादा लगे ना कम लगे, ना मिर्च ज्यादा लगे ना कम लगे, जितनी गैर रखी वही ठीक है बस। इंसान है बिना कमी काटो भी बहुत कमी काटता है, कमी कदी नहीं काटती आज ना मन्ने तेरे काम में, एक दो चीज वैसे ही बता दी मैं नॉलेज के लिए, वही नुकर लेती कमी नहीं मैं काटता कुछ भी। मान लो तेरे पर रोटी जल गई तो स्वाद के हिसाब से खा लू उसे, हाँ भाई इतना कह दू भाई आज कम लगा लेती इसके इसमें क्या रहेगा है। चल लगाओ फटाफट, आ जाओ भाई आप भी खा लो। सभी भाइयों बहनों को निमंत्रण है मेरी तरफ से, बैंगन की सब्जी बन रही, खाने का निमंत्रण है। सो फ्रेंड्स खाना पीना हो चुका है और सब्जी जैसे आंसू बता रही थी टेस्टी बन रही थी, आलू तो डले हुए नहीं थे उसमें, आलू तो डाल रखे थे ना, हाँ बैंगन की सब्जी थी लेकिन अच्छी बन रही थी, टेस्टी बन रही थी। तो देखिए आंसू की भी तबीयत मुझे ढीली सी लग रही है आज, डाउन लग रही, मैं दिखाता हूँ आपको, ये लग रही काम पे कह रही कि तबीयत आज डाउन है बहुत और मुझे रेस्ट चाहिए, रेस्ट कर। कैसी तबीयत? सिर हैंग सा हो रहा इसका है, दिमाग प्रेशर सा बन रहा दिमाग पे। चल कोई नहीं तू रेस्ट कर ले, चल ठीक है।